शनिवार को ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद, 24 घंटे की हड़ताल करेंगे प्राइवेट डॉक्टर। जनपद अलीगढ़ में आईएमए द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कोलकाता में मेडिकल प्रांगण में मेडिकल की छात्रा से किए गए संघन्य अपराध से संपूर्ण देश के डॉक्टरों में रोष है, जिसके चलते छात्रा को न्याय दिलाने के लिए इमरजेंसी के अलावा ओपीडी सेवाओं को बंद कर शनिवार 17 अगस्त से 24 घंटे के लिए सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल करेंगे। मैं डॉक्टर रश्मि अरोड़ा हूं और ये बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई है जो एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरीके से किया गया है। एक डॉक्टर बनते टाइम हमें नाइट ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, इमरजेंसी में भी सर्व करना पड़ता है। आज अपने ही हॉस्पिटल में बैठने में डर लग रहा है, घर में अकेले बैठने में डर लग रहा है। अगर देश का यही माहौल रहा तो हम काम किस तरीके से करेंगे? क्या डिमांड? वी वॉन्ट जस्टिस टू बी सर्व। सबसे पहले जस्टिस होना चाहिए और डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को सुना जाना बिल्कुल होना चाहिए। जो भी चीज़ें हुई है ये बहुत ही ज़्यादा नंदनीय हुआ है। इट इज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन द नेशन। द मेन थिंग इज दिस कि आप ये देखिए, आप उसको सिर्फ एक डॉक्टर की तरह क्यों ले रहे हैं? वो एक फीमेल है। क्या ये सिर्फ कांड आज जो हुआ है वो सिर्फ एक डॉक्टर फेटर्निटी में मेडिकल हॉस्पिटल में ही हुआ है? क्या पहले जब निर्भया कांड हुआ था वो बस के अंदर नहीं हुआ था? वो भी एक डॉक्टर नहीं थी। और ऐसे बहुत रेप केसेस होते हैं जो हमारी नज़र में भी नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज़, वो एक सेकेंड ईयर MBBS की स्टूडेंट थी, अभी वो डॉक्टर बनी भी नहीं है। अगर आप इसको एक फीमेल की तरह रहेंगे, वो नेशन जिसकी एक प्रेसिडेंट खुद फीमेल होकर के इस इंडिया को चला रही है, अगर वहाँ फीमेल सुरक्षित नहीं है तो हमें लगता है कि हमें भी ये काम बंद करके घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम भी तो किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की घर की आबरू हैं। कल को हमारे हस्बैंड भी बोलेंगे कि नहीं, आप रात में डिलीवरी करने के लिए मत जाइए, आप सेफ नहीं है, पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपको सम्मान नहीं देती है। कल को फिर डिलीवरी करने के लिए जब आपके घर से फीमेल्स आएंगी और उनको जब वहाँ पे कोई मेल चेकअप करेगा या कोई डॉक्टर मिलेगा ही नहीं, तब आपको लगता है कैसा लगेगा और सोसाइटी किस तरफ जा रही है? इसके बारे में आप लोग खुद सोचिए। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में बार बार बोलने से कोई चीज़ होने वाली है। इसके ऊपर एक्शन लेना, सख्त एक्शन लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके की मांग करती हैं आप सरकार से, क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि हमें फुल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। अनदर थिंग, अगर एक डॉक्टर जो कि इतने एजुकेटेड प्रोफेशन में जहाँ पे 24 आवर्स मेडिकल सर्विस पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ नहीं है, तो सड़कों पे या रेस्टोरेंट के अंदर या कहीं भी और हमें ये सेफ महसूस नहीं होता है, कहीं पे भी हमें सेफ फील नहीं हो रहा है। सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला फॉर्मूला फेल होता हुआ नजर आ रहा है, ये तो आप खुद जवाब जानते हैं। इसका उद्देश्य है कि समाज में एक जागरूकता आए कि हमें डॉक्टरों के साथ भी खड़ा होना है, क्योंकि आज हमारी डॉक्टर महिला सेफ नहीं है तो ये मानिए कल को आपकी डिलीवरी भी होनी है और आधी रात को कोई भी महिला डॉक्टर आने से बचेगी, उसे डर लगेगा, तो सुरक्षा करना कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है। और महिला डॉक्टर जो एक समाज का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि सिर्फ वो डॉक्टर ही नहीं, पहले वो महिला है, नारी सम्मान के लिए हमें बहुत उचित कदम उठाने होंगे। और इस देश में अगर विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिला सुरक्षित नहीं है, और बंगाल सरकार में ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो महिला होकर महिला की रक्षा नहीं कर पा रही है तो वो पूरा प्रदेश कैसे चलाएंगे? क्या डिमांड कर रहे हैं हम लोग? ममता सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और कोलकाता में कम से कम शांति बहाल के लिए जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बंगाल में, कोलकाता में, उन सब में जो GRs हैं हमारे, SRs हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं। वहाँ इतनी अराजकता फैली हुई है कि डॉक्टर किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। हमारे पास कई माध्यमों से हेल्प आ रही है कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि उन पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। हम भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले कर रहे हैं।